अब आज के क्लास से आप लोग को मैं तीसरा समिति पढ़ाना शुरू करूंगा। वह तीसरा समिति रहेगा कौन सा? जीवीके समिति। कौन सा समिति? जीवीके समिति। पंचायती राज से संबंधित यह तीसरी समिति है। और ये जो तीसरी समिति है, जैसा हमारा पढ़ने का तरीका होता है, हम किसी भी समिति के किसकी बात करते हैं? गठन। या अलग से अब गठन को पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप इसी के बगल में लिख सकते हो 1985। कौन सा समय लिखेंगे? 1985। जीवीके समिति गठित की गई। और जब ये जीवीके समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने क्या कहा? जब भी कोई समय, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं 1985, कौन से वक्त में आ चुके हम लोग? 1985। याद रखेंगे, देश में आ चुका है राजीव गांधी सरकार। कौन सा सरकार चल रहा है? 1984 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। और सही मायने में बताऊं तो आज जो पंचायती राज व्यवस्था इस देश में है, उसमें सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी सरकार का है। उनका बहुत बड़ा सपना था, गांधी जी के सपने को पूरा करना उनका बहुत बड़ा सपना था। वही सोचते थे गांव में मैं डेफिनेटली पंचायती राज व्यवस्था लाऊंगा। और आप देखते जाइएगा लगातार किस प्रकार वो समिति बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने इन दोनों समिति, देखो आपको कल की क्लास में बताया बलवंत राय मेहता समिति ने बोला, त्रिस्तरीय बताया, राजस्थान आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ उसको लागू भी किया, वो फैल हो गया। इसलिए अशोक मेहता समिति, इन्होंने दो स्तरीय कहा, दो स्तरीय को भी कुछ राज्यों ने अपना लिया। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अपना लिया, लेकिन वो भी कमजोर पड़ गया। अभी भी गांव में विकास नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है गांव में, सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है। इसी कारण एक समिति गठित करने का वक्त आता है और राजीव गांधी सरकार जीवीके समिति का गठित करते हैं और ये कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था से लेकर आप लोग कुछ अच्छा सलाह दें। और जब ये अध्ययन करते हैं तो इनके द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है कि पंचायती राज कमजोर पड़ गया है। बोलता है अभी ये कमजोर पड़ गया है, ये लो भाई कमजोर पड़ गया है। इस कमजोर पड़ गया है का मतलब क्या होता है? पंचायती राज कमजोर पड़ गया है क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, पंचायती राज व्यवस्था कमजोर पड़ गया, इसका मतलब यह होता है कि जिस तरीके से अभी प्रशासन अशोक मेहता समिति के आधार पर किया जा रहा था, उससे गांव का विकास नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं बताना है, आपको ये भी बताना है फिर क्या उपाय है। ये उपाय बताते हैं और ये इनका उपाय है, त्रिस्तरीय के आधार स्थान पर चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का ये सलाह देते हैं। ये लोग तीन जन आए, एक तीन स्तरीय, दो स्तरीय, चार स्तरीय, बोलते हैं चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, चार स्तर में दोस्त आप लोग तीन स्तर तो जान ही रहे हो, जान रहे हो ना? नंबर एक शुरुआत ऐसे, अगर एक दो तीन चार, अगर चार स्तर, सबसे नीचे स्तर पर क्या बनाया जाता है? ग्राम स्तर। यहाँ पे क्या बनाया, एक बात कहा इन्होंने, मंडल स्तर या ब्लॉक स्तर अभी तक, लेकिन हाँ, लेकिन अशोक मेहता ने मंडल कह दिया था कि नहीं कहा था? कौन से स्तर? मंडल। इससे ऊपर एक और स्तर बोला जिला स्तर, और एक और बोला राज्य स्तर, ये चौथा स्तर लिखते जाओ ना। कितने स्तर? चार। कितने स्तरीय बोला इन्होंने? चार स्तरीय। अच्छा, राज्य स्तर पर क्या बोला इन्होंने? राज्य विकास परिषद। राज्य स्तर पर बोला जाए, बोला राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद बनाया जाए, नंबर एक। जिला स्तर पर आप बिल्कुल जानते हो क्या बनाया जाएगा? जिला पंचायत। मंडल स्तर पर क्या बनाया था जी? मंडल परिषद या समिति भी लिख लो, एक ही होता है। या ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। क्या होगा आपका? ग्राम पंचायत। ये चार स्तर बोला, ठीक। नया टाइप का क्या लग रहा है? राज्य स्तर स्वयं, लेकिन इनका ये सलाह कुछ समझ में नहीं आया। ऑलरेडी जब राज्य स्तर पर एक सरकार है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद है, जो पूरे गांव के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, उसको लेकर वो देखता है क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या बुरा काम हो रहा है, तो उसके जगह पर एक प्रकार का और क्या राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद गठन करने का। आप सोचो, दो सरकार बना दिए, एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद, और गांव के विकास करने के लिए राज्य विकास परिषद, क्या ऐसा नहीं लगता है दोनों के शक्तियों के मध्य मतभेद होगा?
ये चार स्तर ही तो कोई उचित उपाय ही नहीं लगा, हाँ ये तीन स्तर लग रहा है जो पहले से बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे इन्होंने कितने स्तर कहा, चार स्तर। इन्होंने एक नया बात और बोला था अपने सलाह पर, एक अच्छा बात बोला था, इन्होंने बोला था पंचायतों में महिला आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का बात किया था इन्होंने, आरक्षण, लेकिन याद रखना कौन से आरक्षण की बात बोला इन्होंने, महिला आरक्षण। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाए, सीट रिजर्व रखा जाए, इन्होंने महिला आरक्षण का बात बोला था। बात समझ में आया, महिला आरक्षण दो, चलो अच्छी बात। तो बस उतना ही था, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा इनके में कुछ सुझाव देखने को नहीं मिला और कुछ ज़्यादा उतने में सीरियसली नहीं लिया गया था इनको। चलो भाई, अगला जीवीके समिति के पश्चात एक और समिति बना जिसका नाम है LM सिंघवी समिति। सुने थे क्या नाम, कौन सा समिति बना, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी। अच्छा, LM सिंघवी समिति कब गठित हो रहा है, 1986। देखो कितना शानदार काम चल रहा है, बस एक साल बाद और समिति, बताओ जी। अच्छा, इस समिति में सबसे अच्छा बात क्या है पता है, महिला आरक्षण। कुछ तो समझ में आया, देखो चार लोगों को मिलाकर एक समिति बनाए, इन्होंने जांच किया, इन्होंने सुझाव दिया, इनका हो सकता है 10 सुझाव दिए, एक तो अच्छा लगा। आप लोग को लेकर एक और समिति बना दिए, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आप लोग अध्ययन किए पंचायतों का, आपने बहुत सारा सुझाव दिया, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने भी एक आठ अच्छा सुझाव दिया। तो कहने का मतलब हर समिति बनाने से कुछ न कुछ अच्छा सुझाव जरूर मिलता है। तो अगला समिति बनता है LM सिंघवी समिति, 1986, राजीव गांधी सरकार। लगातार समिति बनाना का काम चल रहा है, क्योंकि पंचायती राज लाना ही लाना है, पंचायती राज लाना ही लाना है। और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें क्या कहा, अब शुरुआत होता है। इन्होंने अपने रिपोर्ट दिया और क्या कहा, इन्होंने कहा बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाया था वही ही सबसे उचित व्यवस्था है। इन्होंने इन दोनों के रिपोर्ट को उल्टा कर दिया, बोले यही वाला पहला वाला ठीक है। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए विचार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात कही। इन्होंने भी कितना स्तरीय बोला, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। अलग से लिखने का जरूरत है क्या आप त्रिस्तरीय को, नहीं लिखने का जरूरत है ना, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, कितने स्तर बोला इन्होंने भी, तीन, तीन ही स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होगा। लेकिन इन्होंने क्या जबरदस्त सुझाव दिया उसको सुनिए आप। इन्होंने अगला जो सुझाव दिया वह यह दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाए। जब तक पंचायती राज को संविधान में नहीं रखा जाएगा, राज्य इस प्रकार के कानून को लेकर अनिवार्य रूप से कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम तो यह करो, जैसे हमारे संविधान में पार्लियामेंट बनाने की बात कही गई है, जैसे हमारे संविधान में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात कही गई है, वैसे ही संविधान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, पंचायती राज को लेकर एक नया अध्याय जोड़ा जाए, ऐसा इन्होंने बात कहा। और इन्होंने एक बात और कहा, एक्चुअल में ना अभी तक देखो आपको पता है पहली बार समिति बनना कब शुरू हुआ है जी, 1957, 57 से लेकर 86 तक कितना साल हो गया है बोलो ना, लगभग 30 साल, जोड़ना घटाना मत करो, लगभग 30 साल। अब प्रश्न बना कि लगभग 30 सालों में गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह था जहाँ पे पंचायती राज लागू होता था सबसे ज़्यादा गांव में विवाद पैदा हो जाता था। अच्छा, आज भी पंचायतों के कारण गांव में विवाद बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े के विवाद स्थिति उत्पन्न हो जाता है, दो लोग सरपंच के लिए उम्मीदवारी किए हैं, मैं बता दूं अगले 5 साल जब तक फिर से चुनाव ना होना वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक बार गले मिल सकते हैं, लेकिन वो गांव के वो दो व्यक्ति जो उम्मीदवारी किए हैं ना सरपंच में, एक जीता एक हारा है, डेफिनेटली वो कभी एक दूसरे को, एक बहुत खतरनाक गुटबाजी होता है पंचायती राज, विकास भी होता है लेकिन गांव की स्थिति एकदम राजनीतिक कारणों में उलझ चुकी है।
वहां पे भी खाली कांग्रेस और भाजपा भाजपा चलते रहता है, कांग्रेस का आदमी मैं भाजपा का आदमी हूँ, ऐसा चलता है। तो यही था। अब अगर मान लो जाए गांव में किसी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया, चुनाव को लेकर विवाद हो गया, उप सरपंच चुनने को लेकर विवाद हो गया, पंच सरपंच के चुनाव में विवाद हो गया, तो बोला गया, इन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में किसी भी प्रकार का पंचायतों में विवाद होता है तो ऐसे विवादों के निपटान करने के लिए एक अलग से जुडिशियल व्यवस्था बनाया जाए, एक अलग से न्यायाधिकरण बनाया जाए। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मत कहो उनको, ऑलरेडी वहां इतने मामले पड़े हुए हैं कि न्यायालय के मामले को लेकर जाओगे, पंचायत के मामले को न्यायालय लेकर जाओगे तो मामले का निपटान नहीं होगा, वो मामला उलझा रहेगा। तो अलग से क्या कर दो, एक न्यायाधिकरण बना दो। और सही मायने में आपको आज की स्थिति बताऊं, ये तो बात की पहले, तो सलाह देने की बात है, सलाह में क्या कुछ भी दे दो बोलो, लेकिन आज वर्तमान में बता दूं, अगर पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत को लेकर अगर कोई भी विवाद होता है ना, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए आप जाना ही नहीं, बोल दिया बहुत काम है हमारे पास, मत आना तुम लोग। बात समझ में आ रहा है? भारत देश में ऑलरेडी छोटे छोटे बहुत सारे मामले हैं, और नहीं है समझ, संविधान में लिख दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का विवादों का निपटान करने के लिए न्यायालय में वर्जन, आना ही नहीं है ऐसे प्रकार के विवाद लेकर। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? तब प्रश्न बनता है, विवाद होगा तो कहाँ जाएंगे वो, कलेक्टर, उप संचालक पंचायत, डायरेक्टर लेवल, आप लोग जो अधिकारी बनोगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDO, कलेक्टर, सचिव, आप ही लोग को निपटा देना है गाँव के मामले को, न्यायालय जाना ही नहीं है। खैर, तीनों ने बात किया है पंचायत के विवादों के लिए, पंचायत के विवाद निपटान के लिए, विवाद निपटान के लिए अलग से न्यायाधिकरण, अलग से न्यायाधिकरण बनाया जाए, अलग से न्यायाधिकरण बनाया जाए, ये लोग अलग से एक न्यायाधिकरण बनाने की बात कही। सुझाव अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कितने स्तरीय पंचायती राज बोला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात कही है। चल अगला, अगर हम समिति की बात करें, अगला समिति आया है जिसका नाम है पीके धुंगन समिति। सुने थे क्या नाम, पीके धुंगन समिति। और पीके धुंगन समिति, एक और समिति गठित हुआ है, और यह समिति गठित हुआ है 1988। देखो फिर राजीव गांधी सरकार, फिर राजीव गांधी सरकार, इन्होंने एक और समिति बनाया जिसका नाम है पीके धुंगन समिति। और इस समिति ने भी क्या बोला, इसने भी जबरदस्त कहा, बोला त्रिस्तरीय होना चाहिए पंचायती राज, क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज। सबके सब बलवंत राय मेहता की तारीफ कर रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, तीन ही स्तर होने चाहिए जो इन्होंने कहा था, याद आ रहे हैं ना वो तीन स्तर। लेकिन बोला थोड़ा, मैं भी थोड़ा विचार देता हूं, भाई आपका समिति बनाए और आप कोई सलाह ना दिए, कोई अलग काम ना कहिए, तो आपका समिति बनाने क्या मतलब। इन्होंने और क्या गजब दिया, इन्होंने एक बात बोला, पंचायत का निश्चित कार्यकाल हो, पंचायत का निश्चित कार्यकाल हो। ऐसा नहीं है एक बार पंच बना दिए, एक बार सरपंच बना दिए तो बने रहे हो, बस लग चल रहा है, जब तक सरकार चुनाव नहीं करा पा रहे तब तक आप लगातार बने रहो, नहीं, बोल दिए 5 साल, मतलब 5 साल, अगर 5 साल में आप चुनाव नहीं करा पाए तो अगले 6 माह में शीघ्र अति शीघ्र चुनाव कराना है, लेकिन चुनाव जरूर कराना है, अच्छा रहेगा, इससे कंपटीशन बना रहेगा, 5 साल आप बढ़िया काम करोगे, क्योंकि आपको पता है 5 साल बाद आपको बदल दिया जाएगा, 5 साल आपको बदल दिया जाएगा, तो आप गाँव वाले को, लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अच्छा अच्छा काम करोगे, अदरवाइज अगले साल आपको मौका नहीं मिलेगा, किसी दूसरे को मौका मिल जाएगा। तो बोला गया है पंचायत का क्या होना चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल, अच्छा बात बोला, क्या लगता है, बोला कि नहीं बोला, ठीक। नंबर दूसरा, इन्होंने और बात बोला, एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। वित्त आयोग का मतलब क्या है, गांव में प्रशासन कब अच्छा चलेगा, गांव में विकास कब होगा, जब आप बराबर बराबर उस गांव को फंड भेजोगे, आप सरकार अगर उनको बराबर वित्त मुहैया कराएगा तो गांव का विकास जरूर होगा। पता चला आपने अभी किसी गांव में पचरी निर्माण के लिए, नाली निर्माण के लिए
गली में एक अच्छा लाइट व्यवस्था लगाने के लिए 2 लाख रुपए भेजा है किसी भी कारण से, पता चला अगले 4 साल तक आप पैसा ही नहीं भेज रहे हो, तो उस गांव का क्या विकास होगा? कोई पंच सरपंच और उप सरपंच बनना चाहेगा क्या कि जब गांव का विकास ही नहीं होगा? वो तो बेचारा गांव के बाकी लोगों से उत्तर देते देते थक जाएगा। इसलिए एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए और वो राज्य वित्त आयोग बताएगा कि ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितना पैसा दिया जाना चाहिए, नगरी निकाय को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, हर 5 वर्ष हर साल जितना वो प्रावधान करेगा उतना फंड आप गांव को भेज दो आप, राज्य वित्त आयोग। अच्छा वो वाला वित्त आयोग आप लोग को पढ़ा डाला हूं ना इवनिंग मैच में, याद आ रहा है? वो भी वित्त आयोग कुछ बताता है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त को बंटवारे को लेकर प्रावधान करता है कि नहीं करता है? और ये राज्य वित्त आयोग किसके मध्य, पंचायत और नगर पालिकाओं के मध्य वित्त के बंटवारे को लेकर सलाह देता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मींज, याद आ रहा है? उसमें आप याद किए होंगे, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, ये वित्त आयोग ये पैसा बताएगा गांवों को कितना पैसा देना है, ये बोलेगा हर साल 5 लाख भेजो तो 5 लाख भेजो, ये बोलेगा नहीं महंगाई बढ़ गया 6 लाख भेजो तो 6 लाख भेजो, ये जितना बताएगा उतना भेजो। जब गांवों को पैसा मिलेगा, डेफिनेटली किसी को भी पैसा मिलेगा तो काम अच्छा होगा, गांव को भी मिलेगा, गांव में विकास होगा, पंच सरपंच मन लगाकर काम करेंगे तो क्या बनाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग। बहुत अच्छा अच्छा सलाह दिए। नंबर 3, इन्होंने बाद बोला आरक्षण, और कौन सा आरक्षण, जातिगत आरक्षण। गांव में जो चुनाव होगा, जनपद में जो चुनाव होगा, उनमें जाति के आधार पर आरक्षण रखो। जिस गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत 70% है वहां पे 70% सीट आरक्षित कर दो, 70% सीट पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही जीत चुनाव लड़ेंगे, फिक्स कर दो। किसके आधार पर बोला इन्होंने आरक्षण, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। किससे, गांव में, नहीं तो गांव में होता क्या, अगर थोड़ा बहुत कोई गांव का भाव जानते होंगे, कोई गांव में कोई जमींदार है, प्रसिद्धि है, थोड़ा सा जमींदार टाइप का व्यक्ति है, उसी का बोलबाला रहता है गांव में। अब हर साल चुनाव लड़ने का बात आएगा तो डेफिनेटली वो जमींदार ही पहले नामांकन भरेगा और बाकी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको एक जगह खड़ा होकर वो आंख ही दिखाएगा ना, तो कोई नामांकन फॉर्म नहीं भरेगा, गांव में ऐसा हाल होता है। तो एक काम करो, लिख दो इस गांव में इस साल सरपंच अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही बनेगा, अब खड़े होकर दिखाए वो जमींदार, वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, आंख कहां से दिखाएगा। तो मैं बोला कौन सा आरक्षण बोला इन्होंने, जाति, लेकिन याद रखना पहले भी आरक्षण का बात हो चुका है, लेकिन कौन सा आरक्षण, आपसे यही सब बात पूछेगा, किस समिति ने राज्य वित्त आयोग गठन करने की सिफारिश की थी, बात समझ में आ रहे ना, प्रश्न ऐसी पूछेंगे किस समिति ने महिला आरक्षण देने की सिफारिश की थी, बात समझ में आ रहा है, जीवीके समिति, प्रश्न ऐसे बनते हैं। किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की समय सिफारिश की थी, अशोक मेहता, बात समझ में आ रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो धीरे 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 आप देखो, और अच्छा इस समिति का एक खास बात यह था, ये सभी समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह था कि यह संसद के सलाहकारी समिति की उप समिति थी, वेरी वेरी, यह संसद में बनी हुई समिति थी, बाहर नहीं है, तो किसी को भी बाहर में बना दिया गया, लेकिन यह ऐसा एक समिति था पीके धुंगन समिति जो संसद में ही बना हुआ था, संसद की ही समिति थी। और उसके बाद अगर आखिरी हम लोग बात करें वी एन गॉडगिल समिति और वी ए गॉडगिल समिति के बारे में बात करेंगे। यह समिति फिर से 1988, आप देख सकते हो कितने हो गए, 85, 86, 88, 88, 4 समिति कौन गठित कर रहे हैं, राजीव गांधी सरकार, उनका एम समझ में आ रहा है, वो एकदम लाना ही चाह रहे थे देश में पंचायती राज, बहुत जोर शोर से काम किए, मानना पड़ेगा, बहुत तारीफ करना पड़ेगा उनके इन काम का, राजीव गांधी सरकार का। वी एन गाडगिल समिति बनाया और वी एन गाडगिल समिति ने भी कहा पंचायती राज
पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए। लो भाई, पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। नंबर एक वही है, बार बार दोहराए जा रहा है, सब किसकी तारीफ कर रहे हैं? बलवंत राय मेहता। नंबर दूसरा, इन्होंने क्या कहा? पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। ये लो भाई, बहुत अच्छी बात, पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। इन्होंने अगला सिफारिश ये किया, पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, डायरेक्ट वोटिंग होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? ग्राम पंचायत में डायरेक्ट जनता द्वारा वोट डाले जाते हैं, जनपद पंचायत के मेंबर द्वारा जनता द्वारा वोट डाले जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी सीधे वोट डाले जाते हैं। अच्छा, ये निर्वाचन के लिए चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। ये लोग, राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। इन्होंने एक सिफारिश और किया, क्या होना चाहिए? राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और इनका काम क्या रहेगा? राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या रहेगा? पंचायती राज एवं नगरी निकाय चुनाव कराना। ये वही चुनाव कराए गए, एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ठाकुर राम सिंह। ये राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और दूसरा एक बहुत अच्छा बात इन्होंने और कहा, क्या कहा? पंचायतों को कर लगाने व वसूलने की शक्ति देना चाहिए। कर लगाने व वसूलने की शक्ति दो, पंचायत खुद टैक्स लगा ले, कर लगा दे। फॉर एग्जांपल, कैसे कर लगाते हैं इधर ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है, सुने हो? साप्ताहिक बाजार मतलब समझते हो, सप्ताह में एक बार बाजार लगता है, कुछ कुछ जरूरत की चीज़ों के लिए, सब्जी के लिए एक बाजार लगता है। और कहा गया है जब वो बाजार लगता है तो पंचायत को इतनी शक्ति दे दो कि जितने लोग उस बाजार में व्यापार करने के लिए आए हैं उनसे कुछ पैसे ले ले वो। और हर गांव वाला ले लेता है, एक बार बैठने का 30 रुपया 20 रुपया ऐसा ले लेता है। अब मान समझो, एक बाजार में अगर 100 लोगों ने व्यापार करने के लिए अपना व्यापार लगाने, सब्जी बेचने का जगह बनाया है, 100 लोगों से सप्ताह में एक दिन अगर आप 100 लोगों से 30-30 रुपया भी लोगे तो सप्ताह में कितने रुपए आ गया? 3,000। महीने में कितना आ गया? 12,000। सिर्फ एक तरीके से। गांव में मेले और मड़ई होता है, बीच बीच में मेले और मड़ई का आयोजन होता है, कोई झूला लगा रहा है, कोई जादू दिखा रहा है, जो भी चीजें करवा रहे हैं, डेफिनेटली उनसे टैक्स लेने की उनको शक्ति दे दो। इससे क्या होगा? पंचायतों की निर्भरता कम होगी। ऐसा नहीं कि सरकार जब पैसा भेजेगा तब गांव का विकास होगा, गांव अपना खुद का पैसे का व्यवस्था कर ले ताकि उनकी कुछ कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूरा किया जा सके। और ऐसा होता है आज, घर प्रकाश कर, गांव में लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट, उसके लिए पैसे ले ले घर घर से, लाओ महीने 20 रुपया, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 रुपया दो। घर घर नल पहुंचाया जा रहा है, लाओ उसका भी पैसा लो, ये शक्ति दो उनको। गांव में बहुत सारे दुकान है, कोई किराना स्टोर है, कोई मोटर व्हीकल का दुकान है, जितने भी दुकान है, कोई मेडिकल खोल कर बैठा हुआ है, कोई फोटोकॉपी का दुकान, हाँ भाई लाओ महीने का 100 रुपया। इससे क्या होगा? पंचायतों की निर्भरता कम होगी, उनके पास अपने कुछ फंड होंगे और जरूरत के समय वो अपने फंड का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है सरकार पैसा भेजे तब अपने फंड का प्रयोग करे। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त सलाह दिया वीएन गाडगिल ने, कि पंचायतों को कर लगाने का, टैक्स अधिरोपित करने का शक्ति दे दो। आज ऐसा सिस्टम है, पंचायत टैक्स लगा सकते हैं, बिल्कुल टैक्स लगा सकते हैं, बहुत सारे टैक्स के प्रकार हैं, कई प्रकार से मेला मड़ई में टैक्स ले लेता है। क्लियर है बात, समझ में आया? तो सबने अपना अपना सिफारिश दिया और अंत में सभी की सिफारिशों के जो अच्छी बातें लगे उनको अंत में अपना लो। क्या है जी, आपको भविष्य में कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है उस क्षेत्र में जो जो काम किए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सुन लो। डेफिनेटली हर किसी से कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा और अंत में आप अपनी सुनो और सबके में जो अच्छा अच्छा खास बात है उसको लेकर अपने लिए एक नियम बना लो। हाँ, मेरे को ऐसे काम करना है, ये वाला काम करना है, बस यही काम किया जा रहा है।
पंचायती राज व्यवस्था को लेकर गठित की गई इतनी सारी समिति, बलवंत राय मेहता इसमें एक ही बात याद रखेंगे, त्रिस्तरीय। क्या याद रखेंगे? पहली बार पंचायती राज को लेकर गठित की गई समिति। दूसरा कौन सा है? अशोक मेहता। अशोक मेहता से दो स्तरीय, एक बात। जीवीके समिति कितने? चार स्तरीय। कितने स्तरीय? चार, तीन दो चार, ऐसा याद रखेंगे। इसमें अच्छा एक मुद्दा था, महिला आरक्षण। कौन सा मुद्दा? एल एम सिंघवी समिति कब गठित किया गया? 1986। इन्होंने क्या खास बात बोला? पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत से संबंधित कोई प्रोविजन किया जाए जिसको इनको ज्यादा शक्ति मिल सके, और पंचायत में हो रहे पंचायत से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक अलग से जुडिशियरी बनाया जाए, एक अलग से न्यायाधिकरण बनाया जाए। इन्होंने ऐसा कहा, वो बात अलग है, इसको हम नहीं मानेंगे। बोलेंगे नहीं, इतना बड़ा झंझट कौन कर पाएगा, आज नहीं मानते हैं। लेकिन इन्होंने बोला तो था ऐसा किया जाए। और पी के धुंगन समिति, इसका खास बात यह है, यह संसद के पार्लियामेंट्री जो कमिटी रहता है, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमिटी, उसकी एक और सब कमिटी है। यह संसद में गठित समिति है, और इन्होंने भी कहा त्रिस्तरीय होना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से हर पंचायत का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, और पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए उसके लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और पंचायतों में आरक्षण किसके आधार पर? जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। लास्ट में उसी साल एक और समिति बना दिया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा, वी एन गाडगिल समिति 1988। पंचायती राज क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय। लेकिन ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों स्तर पर, ये तीन स्तर है कहाँ है, ये तीन स्तर है, ये तीनों स्तर पर जो मेंबर होंगे उनका इलेक्शन डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता ही डिसाइड करे कि यहाँ मेंबर कौन कौन बनेंगे, उन्हीं के द्वारा वोट कराओ, किसी से नॉमिनेटेड मत कराओ, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। और इन्होंने कहा निर्वाचन कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग, किसी कलेक्टर तहसीलदार को चुनाव कराने की जिम्मेदारी मत दो, एक अलग से निर्वाचन आयोग बनाओ, और उनका काम रहेगा पंचायतों का चुनाव कराना, और पंचायतों में निर्भरता कम करने के लिए उनको कर लगाने की शक्ति दे दो। ये सब सलाह ले लिए, राजीव गांधी सरकार को सब सलाह समझ में आ गया, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, राजीव गांधी सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है। अब उनको लग रहा है मैं अगला चुनाव तभी जीत सकता हूं, और उनके पास एक बहुत बड़ा आरोप लग गया है, बोफोर्स तोप घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, इसका आरोप लगा हुआ है, देश नाखुश है। उनको लगा देश के लोगों को कैसे खुश किया जाए, और उस समय लगभग 80% जनसंख्या गाँव में खुश करने का एक तरीका है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए, जिसमें गाँव के लोग इस बात को लेकर मेरी सराहना करें। तो इन्होंने इस विधेयक को, अब आप तो सब संविधान पढ़कर, सब तो बोलना गलत होगा, मैक्सिमम लोग संविधान पढ़कर बैठे हुए हो, पढ़े हो ना जी, अब एक कानून बनाना है, ये प्रेसिडेंट है, ये हमारा राज्यसभा है, ये हमारा लोकसभा है, कानून कैसे बनता है, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? पहली बार इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया 1989 में, पंचायती राज व्यवस्था से लेकर एक बहुत बढ़िया फाइल बना दिया गया, एक विधेयक बना दिया गया, एक बिल बना दिया गया, एक कानून का मसौदा बना दिया गया कि अब देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा, स्थानीय स्वशासन होगा, गांव के लोग ही अपने लिए शासन करेंगे, स्वशासन, खुद के ऊपर शासन, गांव के लोग ही पंच और सरपंच बनाएंगे, और उन्हीं लोग डिसाइड करेंगे कि गांव में विकास कैसे हो। स्थानीय स्वशासन को जन्म देना है, बहुत बड़ा देश में प्रशासनिक परिवर्तन होने वाला है। 1989 में विधेयक प्रस्तुत हुआ 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ये लिखा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आए, ना समझ में आए दिमाग में जोर मत डालना। 1989 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, ये विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा ने अस्वीकार्य कर दिया, बोला नहीं बहुत बेकार विधेयक,
कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं, लोग शिक्षित ही नहीं है देश के, गांव के लोग शिक्षित नहीं है, पंचायत को क्या समझेंगे, कलेक्टर एक आदेश देगा, गांव के लोग पढ़े ही नहीं, क्या समझ में आएगा, बोले कुछ नहीं हो पाएगा, बोले समाप्त। राज्यसभा बोला सब बंद करो, पास नहीं हो पाए। डेफिनेटली आपको पता है जब लोकसभा से पारित होता, राज्यसभा से पारित होता, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता, तभी वह एक विधि बन पाता, एक कानून बन पाता, एक एक्ट बन पाता। राजीव गांधी का सपना पूरा नहीं हो पाया। देश में चुनाव हुआ, राजीव गांधी सरकार हार गए। अब आया सरकार वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनका ध्यान पंचायती राज की ओर फिर से बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इधर ध्यान नहीं दिए, वो बात अलग है। एक साल बाद ही विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिर गया, और इस प्रकार जोड़ तोड़ का सरकार चल रहा था। फिर से 1991 का 1991 का इलेक्शन आया, और उस चुनाव में ही, चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी नहीं रहे, फिर से ऐसे लगने लग गया कि पंचायती राज देश में आएगा या नहीं आएगा। देश में चुनाव तो होना ही था, चुनाव हुआ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर, महत्वपूर्ण लीडर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है। देश में चुनाव हुआ, कांग्रेस को सिंपैथी के रूप में बहुत भयंकर वोट मिला, फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला, और प्रधानमंत्री के रूप में बनकर आए नरसिम्हा राव। कौन आए? देश के एक और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री, एक और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। सही मायने में बोलूं, मेरा अनुभव कहता है तीन या चार ही अच्छे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं अब तक, जो वास्तविकता में देश की जनता के बारे में सोचे। तो मेरे कहने का मतलब है, नरसिम्हा राव सरकार आए, बोले राजीव गांधी के सपने को हम पूरा करेंगे, गांधी जी के सपने को हम पूरा करेंगे। वक्त आया 1991, शपथ ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा इस देश में पंचायती राज व्यवस्था जरूर आएगा। 1991 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विधेयक इस समय तो फैल हो गया। अब अगला विधेयक कौन सा प्रस्तुत हुआ 1991 में, फिर से पुनः प्रस्तुत हुआ। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार पंचायती राज संबंधी विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, 1989 में प्रस्तुत हुआ। दूसरी बार कब प्रस्तुत हो रहा है, 1991। कौन सा सरकार है? नरसिम्हा राव, कांग्रेस सरकार, इनके समय यह बिल प्रस्तुत हुआ। और लोकसभा से यह बिल पारित हुआ है 1992 में। कब पारित हुआ? 1992 में। बोलो कैसे? बिल्कुल समय तो लगेगा। जैसे अभी आप लोग ये वाला बिल समझो, कौन सा वाला बिल जी, लड़कियों की शादी की उम्र को कहां से किया जाना है, 18 से 21 वर्ष किया जाना है। अभी 2021 में प्रस्तुत हो चुका है संसद में, लग क्या गया 22, ऐसी हो गया। लोकसभा में रखा गया, जांच समिति बना, सही में लागू करे या ना करे, देश के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा करा देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। गांव में चुनाव हो रहा है तो वहां पे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए, ऐसा ना हो गांव में मारपीट की स्थिति बन जाए जिसको संभालना मुश्किल हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। जांच समिति बनाया गया, अंततः लोकसभा में पारित। अब देखो कानून क्या बनेगा, हमारा हेडिंग है 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्यों 1992 लिखा गया जानते हो? क्यों लिखा गया याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी विधेयक पर ईयर उस समय का लिखा रहेगा जिस साल वो किसी एक सदन से पारित होगा। जिस समय प्रस्तुत किया जाएगा वो ईयर नहीं लिखेगा, उस फाइल पर, वो पूरे कानून पर, कवर पेज में उस कानून का नाम जिस समय वो पहले बार किसी सदन से पारित होगा वो लिखा रहेगा। पहली बार का पारित कब हुआ, उस विधेयक का नाम क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1992। और इस समय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन होने जा रहा है? 73वां। कौन सा? पक्का सुने थे नाम इसका? कि एकदम अजीब टाइप का लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, सुने ही नहीं थे?
मैं संविधान के तीसरे चौथे क्लास से सुना रहा हूँ, 73वां संविधान संशोधन लिखते चलेंगे। अगर 73वां संविधान संशोधन के बारे में लिखते चलेंगे तो इसको हम समझते हैं कि यह है 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से पारित, 22 दिसंबर 1992 ये लो भाई लोकसभा से पारित हो गया। अगला डेटा आएगा लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, पक्का कहीं और तो नहीं जाएगा ना, राज्यसभा से पारित बहुत अच्छी बात। अगला उसके बाद किसके पास जाएगा, पक्का कौन सा साल लग गया देख लो, 93 हो गया, राष्ट्रपति जी को साइन करते करते 93, राष्ट्रपति जी कितने दिन रख दिए अपने पास, 4 महीने, समझ में आया। ऐसा है 20 अप्रैल यहाँ पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। अब कौन सा दिन आएगा लास्ट में, क्या आएगा, 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज लागू। ये लो भाई पंचायती राज लागू, 73वां संविधान संशोधन हुआ, देश में पंचायती राज लागू हुआ और ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को 24 अप्रैल के दिन को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये लो भाई पंचायती राज दिवस मनाते हैं, सुने थे नहीं सुने थे तब सुनो, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, इनके द्वारा हस्ताक्षर हुआ पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कितने अप्रैल 24। अब समझो मैंने ऊपर में क्या लिखा है, संविधान संशोधन, तो क्या होने वाला है संविधान में संशोधन, बहुत पढ़े हो ना संविधान, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अब आप लोग को अगले साल मिलेगा मौका, जल्दी पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे, प्रभाव क्या पढ़ा पंचायती राज, इससे मैंने बोला संविधान में संशोधन हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, याद रखेंगे दो प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। इसमें लिखेंगे 15 अनुच्छेद जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 15 अनुच्छेद जोड़े गए, कहां पे जोड़े गए, अब ध्यान से सुनोगे आप सभी के सभी, 15 अनुच्छेद जोड़े गए, भाग नंबर 9, कभी बोला था क्या भाग नंबर 9 पार्ट 9, क्या बोला था, पंचायती राज, बस इतना ही लिखा गया था पंचायती राज, ज्यादा उसमें कोई प्रावधान नहीं था, भविष्य में वहां पे कुछ प्रोविजन करने की बात कही गई थी। भाग नंबर 9 में 15 अनुच्छेद जोड़े गए और कैसे जोड़े गए, भाग नंबर 9 जो था वह था अनुच्छेद नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243, भाग नंबर 9, यहां पे कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 15, अगर जोड़े गए तो कैसे जोड़े गए इसको भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 243 ए से लेकर, हां क से लेकर, आर्टिकल नंबर 243 ओ तक, क से लेकर ण तक, 15 हो गए ना, किन्ना क से लेकर ण, कितने अनुच्छेद जोड़ दिए गए, 15, कहां पे जोड़े गए, भाग नंबर 9, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 243, ऐसे पढ़ोगे ए बी सी डी ऐसे जोड़ के देखना कितने हो जाएंगे आपके, 15, यहां पे एक जगह जोड़े गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा 15 भी लिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा, एक जगह और जोड़े गए, अनुसूची 11 जोड़े गए, याद आ रहा है कुछ, अनुसूची 11 जोड़े गए, ये लो भाई अनुसूची 11 जोड़े गए, अनुसूची मैं बताता हूँ, अनुसूची हमेशा मतलब टेबल है, लिस्ट है, यहाँ पे अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 विषय जोड़े गए और किससे संबंधित पूछा गया है, तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 243 जी से संबंधित, किससे संबंधित, 243 जी से संबंधित 29 विषय जोड़े गए। दो जगह बहुत बड़ा संविधान में बदलाव आने वाला है,
बहुत जगह संशोधन हो रहा है, संविधान में कुछ बातें जुड़ी जा रही है पंचायती राज से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो जगह। और ऑलरेडी आप याद करो, इसके बारे में बता चुका हूं आपको, जब 8 के बाद 9वां अनुसूची जोड़ने की बात पढ़ाया था, 10वां, 11वां और 12वां, 11वां अभी जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, और साथ ही साथ भाग 9 में अनुच्छेद क्या जोड़े गए, 43, 243 में कितना अनुच्छेद जोड़े गए, बात समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे और क्या बात बोला गया ये भी बता देता हूं, पंचायती राज, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, बहुत अच्छी बात, राज्य सूची का विषय सभी को समझ में आया जी, पंचायती राज से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो उस कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार। अपने अपने पंचायत में जो बदलना है बदल लो आप, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई सरपंच, कोई गांव का प्रमुख को हम सरपंच कहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको प्रधान कहा जाता है, हमारे यहाँ जनपद होता है, उनके यहाँ मंडल होता है, उनके यहाँ मंडल होता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये राज्य सूची का विषय होगा, इसमें कानून बनाने की शक्ति किसको होगी, राज्यों को होगी, लेकिन सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से मानना है, सभी राज्यों के लिए लागू होगा, ये अनिवार्य किया गया, क्या किया गया इसको, अनिवार्य किया गया, ये लो भाई अनिवार्य किया गया, सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से इसको लागू करना है। हाँ, लेकिन बोल दिया गया 3 राज्यों में लागू नहीं किया गया, 3 राज्यों में लागू नहीं है, 3 राज्य में लागू नहीं है, 3 राज्य में लागू नहीं, और 3 राज्य कौन है, एक है नागालैंड, कौन सा है नागालैंड, दूसरा है मेघालय, दूसरा है मेघालय और तीसरा क्या है मिजोरम। ये 3 राज्यों में, क्योंकि वहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा है, प्रतिशत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रशासन अलग तरीके से करना है, इसलिए 3 राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक और लिखता हूँ जिसका नाम है दिल्ली, क्या लिखता हूँ मैं, दिल्ली NCR यहाँ लागू नहीं है, क्यों लागू नहीं है जानते हो, क्यों लागू नहीं है, हाँ दिल्ली में क्यों लागू नहीं किया गया होगा कोई बता सकता है, क्योंकि वहां गांव ही नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को सरपंच बोलोगे अच्छा लगेगा, भाई पंचायती राज लागू होने के लिए गांव भी तो होना चाहिए, गांव रहेगा तब पंच और सरपंच, दिल्ली तो पूरा नगर है जी, महानगर परिषद है, गांव नहीं है इसलिए वहां लागू नहीं है। दिल्ली एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज लागू नहीं है, साथ ही साथ 3 और राज्य नागालैंड मेघालय और मिजोरम, बाकी बोला गया सभी राज्यों में पंचायती राज होना चाहिए। एक जगह और लागू नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर, कहां लागू नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब से आर्टिकल नंबर 370 को हटाया गया है उसके बाद से वहां पे भी पंचायती राज लागू कर दिया गया है, ग्रामीण विकास किया जा रहा है। यहां पे एक लाइन और लिखा गया, उसको एक आप लोग सभी के सभी याद रखेंगे, लिखा गया है यदि किसी राज्य की जनसंख्या, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, उस परिस्थिति में वहां पे द्विस्तरीय पंचायती राज होगी। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पे दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, दो स्तरीय में कौन कौन सा व्यवस्था रखना चाहिए, क्या लगता है आपको, नंबर 1 क्या रहेगा, जिला, और नंबर 2 रहेगा ग्राम पंचायत, बीच का जो जनपद बता रहा था मैं, मंडल वाला बोल रहा था, वो नहीं रहेगा। कितना स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहेगा, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा है ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया, सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करना है, और इसमें अगर सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करना है तो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो भाई चलो, तो सबसे पहले ये मैं ये बताता हूँ, ये 15 अनुच्छेद, कल आप लोग का होमवर्क रहेगा अनुसूची 11 में जो 29 विषय जोड़े गए हैं, इन विषय को एक बार पढ़ लेना।
वैसे उस विषय के बारे में पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार आप इस विषय को खुद से पढ़ लेना। मैं ये 15 अनुच्छेद आपको पढ़ाता हूँ क्या है। 15 अनुच्छेद मैंने बोला, एक पहला से आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल नंबर 243। क्या लिखा गया था? आर्टिकल नंबर 243, ये लिखा गया था पहले से। और बाद में जोड़े गए वो कौन कौन से थे? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद नंबर 243B। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? आगे क्या जाते जाएगा? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और लास्ट वाला क्या है? O। इसको लिख लो, अनुच्छेद नंबर 243। जो जोड़े गए वो यहां से लेकर यहां तक। ये वाला तो पहले से था एक आर्टिकल। क्लियर है? अच्छा, आर्टिकल नंबर 243 की बात कर रहा हूं। इसमें क्या था पहले से? इसमें पहले से था परिभाषा। पंचायती राज क्या है इसके बारे में कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं था, सिर्फ परिभाषा था, पंचायती राज संबंधी कुछ परिभाषाएं। अगले में यहां पे क्या था, इस बात को हम समझते हैं, इस बात को समझते हैं। 243A में था ग्राम सभा। क्या था? ग्राम सभा। अगला में क्या था? पंचायत, पंचायत का गठन। पक्का? अगला एक एक तो याद रखना है भाई। अगला में है पंचायत की संरचना, अभी थोड़े देर में डिस्कस करूंगा मैं। अगला में क्या रहेगा? पंचायतों में आरक्षण। ये लो भाई, ये आरक्षण। और चौथा क्या था? पंचायतों के कार्यकाल। पक्का? ठीक। अगला क्या था? पंचायत के सदस्यों की, पंचायत के सदस्यों की निर्हरताएं। समझ में आता है? योग्यताएं या अयोग्यताएं, कौन योग्य होगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, कौन अयोग्य होगा, पंचायत के सदस्यों की निर्हरताएं। अगला अगर हम बात करेंगे पंचायत के शक्तियां, प्राधिकार, पंचायत के शक्तियां, अगला क्या रहेगा? प्राधिकार एवं कर्तव्य, इनके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला हम बात करेंगे एज के बारे में, तो यहां पे क्या है? पंचायत को कर अधिरोपित करने की शक्ति। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अगला हम क्या बोलेंगे? पंचायत राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों को फंड देगा। अगला प्रावधान में क्या किया गया? संपरीक्षा पंचायतों की, संपरीक्षा ऑडिटिंग करवाने के बारे में बात किया गया, पंचायतों की संपरीक्षा। अगला क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। यह है पंचायती राज का लागू होना, है कि नहीं है? अगला क्या है? पंचायती राज का बने रहना। और लास्ट में आप याद रखेंगे पंचायती राज संबंधी विवादों में न्यायालय का वर्जन। जो 15 अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो किस प्रकार जोड़े गए हैं इसको आप लोगों को समझने का जरूरत है। 15 अनुच्छेद को जल्दी से समझेंगे। सबसे पहले बोला गया ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा याद आ रहा है? गांव में हर वो सदस्य या गांव के हर वो निवासी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
और वहां के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, सभी से मिलाकर क्या बनेगा ये ग्राम सभा। ग्राम सभा बच्चे को छोड़ दो जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, बाकी सब जो मतदाता सूची में नाम है उन लोग क्या बनाएंगे ग्राम सभा। ये बनाना जरूरी है बोले, हर राज्यों में जितने भी गांव हैं सभी गांव में ग्राम सभा होगा। अच्छा वो ग्राम सभा का बैठक कैसे होगा, कौन बुलाएगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, गणपूर्ति क्या होगा, वो राज्य डिसाइड कर लेना क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन ग्राम सभा जरूर रखना। संविधान में क्या लिखा जा रहा है ग्राम सभा होगा, यहां अगर ग्राम सभा है ना तो राजस्थान के गांव में भी ग्राम सभा होगा, गुजरात के गांव में भी ग्राम सभा होगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है ग्राम सभा सब जगह होगा, संविधान में कहा जा रहा है। ग्राम सभा कैसे काम करेगा आप डिसाइड कर लेना, राज्य लोग डिसाइड कर लेना, लेकिन ग्राम सभा जरूर रखना। वैसे बोला गया 243B में बोला गया पंचायतों का गठन, क्या बोला गया है पंचायतों का गठन होगा, साथ ही साथ बोला गया पंचायत की संरचना। फॉर एग्जाम्पल पंचायत की संरचना के समय में अगर हम बात करें संरचना किस प्रकार, अच्छा पंचायत का गठन करने बोला गया तो बोला गया त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन करना, कितने स्तर तीन, सुझाव तो किसी ने चार का भी दिया किसी ने दो का, लेकिन अंत में संविधान में क्या लिखा गया त्रिस्तरीय पंचायती राज होगा, तीन स्तरीय पंचायती राज होगा बोला गया। और आप सभी को पता है त्रिस्तर क्या क्या है, एक मैंने बोला कौन सी स्तर पे पंचायत बनेगा जिला स्तर, एक क्या बनेगा आपका ब्लॉक स्तर, और एक जो बनेगा वो कौन सा स्तर ग्राम स्तर, तीन सब जगह तीन स्तरीय। हाँ बस बोला गया है जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम होगा सिर्फ वहां पे कितने स्तर रखना। पंचायत की संरचना कैसे होगी, जैसे एक ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर क्या होता है ग्राम पंचायत याद है क्या रहता है, पंच सरपंच उप सरपंच तीन लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे ही जनपद ब्लॉक स्तर पर क्या बनता है जनपद, जनपद पे कौन होते हैं सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ऐसा संरचना बताया गया। सब अलग अलग है, उत्तर प्रदेश वाले ने उत्तर प्रदेश वाले में ही ग्राम स्तर पर बनाया, जैसे हम लोग सरपंच लिखे तो उन लोग ने क्या लिखा प्रधान, सब अपने अपने से लिख लेना बोले, लेकिन तीन स्तर जरूर रखना संविधान में कहा जा रहा है, तीन स्तर होने ही चाहिए। पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण भी होना चाहिए और जातिगत आरक्षण भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जातिगत आरक्षण है ST SC OBC तीनों को आरक्षण है, महिला आरक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण बता रहा हूं कितना परसेंट है 50, अगर किसी पंचायत में 20 सदस्य हैं तो 10 महिला होना अनिवार्य है बोला गया पंचायत। अच्छा इन लोगों ने नहीं बोला था ना, संविधान निर्माताओं ने ये नहीं बोला आरक्षण कितना रखना है, वो राज्य डिसाइड कर लेना, छत्तीसगढ़ अपना अलग डिसाइड कर लेगा, मध्य प्रदेश अपना अलग कर लेगा, सब अलग अलग कर लो, लेकिन आरक्षण जरूर रखना। हम छत्तीसगढ़ वाले ज्यादा समझदार थे तो हमने बोला आरक्षण हमारे यहाँ कितना परसेंट रहेगा, 2008 में जबरदस्त प्रावधान किया हमने 50% आरक्षण है ना हमारे यहाँ जी, वो बात अलग है। संसद में बैठे उन लोगों ने आरक्षण ग्राम पंचायत में जिला पंचायत में महिला आरक्षण की बात कही, जिनके यहाँ खुद महिला आरक्षण नहीं है वो गांव को समझा रहे हैं तुम लोग महिला आरक्षण रखना, इतने बड़े बड़े देश के लोग, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि पहले अपने यहाँ ही आरक्षण का व्यवस्था करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद में महिला नहीं है भारत की संसद में, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए, लेकिन ग्राम पंचायत में होते हैं महिला। सोचो गांव में 20 लोग बैठे ना, कम से कम 10 महिला होंगी, और उसके बाद भी हो सकते 20 के 20 हो सकते, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष बताएंगे, पंचायत की सदस्यों की यो निर्हरताएं योग्यताएं क्या होना चाहिए जी, एक आध जन हो क्या जो पंच वंच का चुनाव लड़े हुए हैं, एक आध बार नहीं लगा है क्या मौका, सरपंच और पंच का कोई लड़े रहता कोई लड़ा भी होगा तो बताएगा नहीं, बेइज्जती कराने थोड़ी ना आएगा, क्योंकि हारे ही होगा तब यहाँ आएगा, वो जीता रहता तो यहाँ कहाँ से आता। खैर तो मेरे कहने क्या योग्यता होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, वयस्क मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, और वयस्क नहीं 21 वर्ष पूरा होना चाहिए, कितना 21, महिला वयस्कता 18 में आ जाता है। खैर तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करो, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। खैर मजाक कर रहा था, कोई नोट मत कर देना नीचे,
पंचायत की सदस्यों की योग्यताओं के लेकर बाद में चर्चा करूंगा। पंचायत को कुछ शक्ति दे दो, कर लगाने की शक्ति दे दो, निर्णय लेने की शक्ति, अपने पंचायत के लिए अपने गांव के लिए कुछ कानून बनाने की शक्ति दे दो, उनके कुछ शक्ति दे दो, उनके कुछ अधिकार दे दो, उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित कर दो कि समय समय पर बैठक करना है, जितना खर्चा होगा उसका हिसाब किताब देना है। और इसी आर्टिकल से संबंधित, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 243G से संबंधित 29 विषय अनुसूची नंबर 11 में जोड़े गए हैं। अनुसूची में 11 विषय, किन किन विषयों पर इनको शक्तियाँ होगी, किन किन कौन कौन से इनके प्राधिकार होंगे और क्या क्या इनके कर्तव्य होंगे, इनसे संबंधित 29 विषय अनुसूची नंबर 11। पंचायत को कर लगाना, मेरे ख्याल से अब भी चर्चा क्यों, ज़्यादा करना करने की जरूरत नहीं। पंचायत को एक शक्ति दे दो कि वो अपना छोटा मोटा कर लगा ले, थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा कर ले, ताकि वो अपने आप में किसी दूसरे से डिपेंडेंट ना हो, अपने लिए खुद वो कर का व्यवस्था कर ले। राज्य वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य कब अच्छा काम करेगा, जब उसको फंड भेजा जाएगा, जब उसको वित्तीय मदद दिया जाएगा। और वित्तीय मदद ऐसा मत करो राज्य का जब मन कर रहा है तब दे रहा है और जब मन नहीं कर रहा है तब नहीं दे रहा, ऐसा ना हो। क्या बनाओ, एक वित्त आयोग, और ये जितना पैसा भेजने बोलेगा ना पंचायतों को, ये आयोग जितना पैसा भेजने बोलेगा उतना पैसा भेजना। पंचायतों की संपरीक्षा, आपने पैसा तो भेज दिया पंचायत को, पंच और सरपंच को पैसा भेज दिया, एक हिसाब रखना जरूरी है कि नहीं, उनसे हिसाब मांगना जरूरी है कि नहीं, कि भैया 5 लाख रुपए भेजे पिछले साल, हिसाब बताओ कहाँ कहाँ खर्चा किए। बोलेगा नाली निर्माण में 1.5 लाख खर्चा हो गया, पचरी निर्माण में 1 लाख खर्चा हो गया, COVID-19 महामारी के समय हम लोग भी यहाँ पे कोविड सेंटर बनाए थे, उन लोग को खाना देना पड़ा, पता चला लिख दिया है टमाटर 1500 रुपए किलो। नहीं जा रहे हो, जा रहे हो ना, कांकेर वाला मामला बोला था, उस समय टमाटर 1500 रुपए किलो हो गया था, इसलिए ये मामला है भाई, अभी 1 साल नहीं हुआ इस मामले को, वहाँ पंचायत ने बोला 1500 रुपए किलो में टमाटर खरीद के सब्जी में डाल के खिलाए थे। तो भाई जब इतना रुपए किलो था तो तुम खिलाए क्यों टमाटर को, कहीं पे लिखा था कोरोना टमाटर खाने भागता है? अभी तो टमाटर नहीं तो सस्ता है, सब हम लोग टमाटर ही खाते रहते, बांध लेते चारों तरफ टमाटर, हाँ ऐसा तो हाल है। तो वो रिपोर्ट दिया था कभी कभी पेपर भी पढ़ोगे, लिखते समय उसको लगा भी नहीं होगा कैसे लिखूं मैं 1500 रुपए किलो, हाँ गजब बात है भाई। तो ऑडिट करना जरूरी है, बहुत जरूरी ना, पंचायतों को जो आप पैसा दोगे उसका ऑडिट कौन करेगा, कैसा होगा, समझ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को भी पैसा दें आपको उसका हिसाब लेना जरूरी है, ऑडिट कैसा होगा इसका भी प्रावधान करना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना, एक राज्य में हर राज्य का अपना एक निर्वाचन आयोग होगा और उसका काम रहेगा उस राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव कराना। अभी हुआ ना चुनाव, हुआ 15 जगहों पर चुनाव हुआ जिसमें से 4 नगर निगम है पक्का, उसमें चुनाव कौन करवाया, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज का लागू होना, बोला सब जगह लागू होगा, अनिवार्य है सबको लागू करना है। पंचायती राज का लागू नहीं होना, इन 3 राज्य में लागू नहीं होगा, पंचायती राज का बने रहना, कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है। लास्ट में लड़ाई झगड़ा करोगे न्यायालय मत आना, सीधा लिख दिया गया है पंचायती राज संबंधी विवादों से न्यायालय का वर्जन, मत आना उधरी निपटा लेना, बहुत भीड़ है, कई करोड़ मामला आज भी लंबित है, हमारे पास जज नहीं है, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। अगर इन लोग का भी मामला आ जाता सोचो कितना तारीख दिया जाता, मत आना क्योंकि आप आ जाओगे हमारा मामला लटक जाएगा। ये 15 बस इतने ही लिख के छोड़ दिया गया और सब अपने अपने तरीके से कानून बनाओ। किसको कानून बनाना है, राज्यों को, किसको कानून बनाना है। अब ये बिल कहाँ पे जाएगा, राज्य विधानमंडल। अभी आप किस में हो, मध्य प्रदेश में हो, 93 में बात कर रहा हूँ ना मैं, कब खड़े होके बात कर रहा हूँ, 93 आप किस में हो, मध्य प्रदेश में, ठीक आगे बढ़ू, यहाँ लिख डाले पूरा, कल A to Z याद रहेगा, ठीक चलो। आप अगला है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम
मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है। देखो ये 93 हो गया, ये 92 है। ठीक, पंचायती राज अधिनियम पूछेगा तो क्या रहेगा? 92। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पूछेगा तो क्या रहेगा? 93। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहाँ पे आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कानून अगर बनना है, कोई विधि का निर्माण होना है, कैसे होना है, यहाँ पे बिल कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा। विधानसभा से किसके पास जाएगा? गवर्नर। विधान परिषद है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं है ना, दो ही है। बिल यहाँ रखा जाएगा, विधानसभा से पारित होगा, गवर्नर का हस्ताक्षर, राज्य के लिए कानून बन जाएगा। इसको रखा गया, अब बताओ इसके तहत प्रावधान करना है, प्रावधान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखो, 30 दिसंबर 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित। आप मध्य प्रदेश में थे ना इस समय, कहां से पारित किया गया? मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित, बहुत अच्छी बात। अगला आया आपका 24 जनवरी 1994 हो गया, दो साल बदल गया, कब से काम शुरू है? 94 हो गया। कौन सा तारीख हो गया? 24 जनवरी 1994। यहां पे क्या हुआ? राज्यपाल के हस्ताक्षर। और अगला डेट लिखता हूं, 25 जनवरी 1994 मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू, मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू। अब होगा त्रिस्तरीय गांव में चुनाव, ग्राम स्तर में पंच सरपंच का चुनाव, जनपद में सदस्यों का चुनाव, जिला में सदस्यों का चुनाव लागू। और सबसे गजब बात बताऊं, मध्य प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पंचायती राज अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के तहत वो अलग है 57 वाला, राजस्थान का नागौर कल लागू हुआ था, वो तो ऐसे ही था, अनिवार्य नहीं था, कंपलसरी नहीं था, संवैधानिक नहीं था, वो तो सिर्फ एक सिफारिश के आधार पर था। आज संवैधानिक तरीके से पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, लिख लेना, भारत देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, मतलब हम स्वयं उनके साथ थे। और इसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था हुआ। क्लियर है? पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। आप सभी को पता है 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, हो रहे हैं अलग। अब हो क्या रहा है ध्यान से सुनेंगे, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन रहा है। छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बनेगा तो हमारे राज्य को भी चलाने के लिए कानून चाहिए, हमारे यहाँ पंच सरपंच हमको भी बनाना है, उससे पहले मोटर वाहन अधिनियम है उसको लागू करना है, सब करना है। तो क्या काम करना है जी? जितने भी कानून जब हम मध्य प्रदेश के साथ थे, जो भी कानून उनके साथ बैठकर बनाए, सबका फोटोकॉपी निकालना है। क्या करना है? फोटोकॉपी, और कुछ काम नहीं करना, मस्त एक जगह बैठना है, जहां जहां मध्य प्रदेश लिखना है काटते चलना है, मापे के जगह छगा, लो बन गया हमारा कानून, बढ़िया ना। पहले भी हम ही बनाए थे, वो कौन अलग आदमी थोड़ी ना थे, उसमें भी हमारा योगदान है। जैसे अगर मान लो जगह भविष्य में बस्तर अलग हुआ, बस्तर राज्य बना, छागा के जगह बस उन लोग भी फोटोकॉपी निकालेंगे, जहां जहां छागा है कोई भी कानून वहां पे बस बस्तर 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 करते रहो, एक घंटे में 400 कानून बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना तेजी से कोई कानून नहीं बना सकता, बन जाता है, कितना देर लगता है। तो बस वही काम करना है, और उस कानून का नाम क्या होगा? पहले काम तो यहीं पे करना है, पहले तो यहीं कटना है ना, बाकी सब सेम रहेगा। अब वो नाम क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। क्या होगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये लो भाई, भले 1993 में छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन हम जरूर बोलेंगे ये कानून छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, 1993। कानून का नाम क्या हो गया? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और एक खास बात और बता दूं, ये जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून राज्य बनने के बाद हमको लागू करने का जरूरत है, किसी भी कानून को ना तो यहां पे रखने की जरूरत है, काहे रखेंगे भाई, यार रेडियो कानून बना हुआ है,
न यहां रखने की जरूरत है, न राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाने की जरूरत है, बस उसमें नामों को बदलने का जरूरत है, सिर्फ उसको अधिसूचित करना है। फोटोकॉपी निकाल लिए, मापा की जगह छत्तीसगढ़ करवाए, नया टाइपिंग करवाए, प्रिंट आउट निकाल, ये ले भाई हो गया अपना, बस प्रूफ रीडिंग करके प्रिंट आउट निकालना है, बन गया कानून, एक दिन राजपत्र में प्रकाशित कर दो, ये लो छत्तीसगढ़ में ये 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 ये, ये कानून लागू है। एक दिन में 400 कानून छत्तीसगढ़ के लिए बन गए, जो कई सालों में बने हैं वो एक घंटे में बन गए। बढ़िया काम है ना, कौन और नया नया कानून बनाएगा जी, बन गया जो होना था हो गया, तो कुछ नहीं हुआ है। याद रखना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ये प्रश्न पूछा जाता है, को नया राज्य बनने के पश्चात विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। पुनः राज्यपाल के हस्ताक्षर करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, अधिसूचित, क्या हुआ है, अधिसूचित। लिखेंगे 7 जून, लिखेंगे 7 जून 2001, 7 जून 2001 और 7 जून 2001 यह अधिसूचित किया गया, अधिसूचित किया गया। अधिसूचित मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया ना, ये लो मापा की जगह क्या लिख लेना, छागा, एकदम आसान भाषा में, कहीं नहीं लिखा मिलेगा ऐसा। अगला लिखेंगे 18 जून, ये पूछा जाता है जी, 18 जून 2001 और 18 जून 2001 राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित, और इस दिन हमने क्या प्रकाशन किया जान रहे हो, लिख दिए 1 नवंबर 2000 से, देखो पीछे जाकर लिख दिए हमने, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2000 लागू, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2000 लागू, माफ करना 1993 लागू, पहले से लागू करवाए, प्रकाशित कब हुआ है, बाद में। और क्या लिखा गया, जल्दी से आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा गया राजपत्र में जब हम प्रकाशन किए तो क्या लिखे, लिखे इस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में 31 अक्टूबर वर्ष 2000, जान रहे हो वो दिन कौन सा है, नया राज्य बनने के एक दिन पहले, हम 1 नवंबर को नया राज्य बने, 31 अक्टूबर एक दिन पहले, इसमें जो भी संशोधन मध्य प्रदेश के द्वारा किए गए थे वो हम सभी चीजों को अपनाते हैं, किंतु इसके बाद 31 अक्टूबर वर्ष 2000 के बाद यदि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मतलब मध्य प्रदेश वाले यदि अपने अधिनियम में कोई संशोधन करते हैं तो वह छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में लागू, लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना उन लोग उधर करते रहे, उधर उनके कानून को हम लोग लागू करते रहे, अब नहीं होगा। लेकिन आपने जो 31 अक्टूबर वर्ष 2000 तक जितने भी संशोधन किए, इस कानून में जो भी बदलाव किए, जो भी लिखे, जो भी हटाए, हम सबको अपनाते हैं, लेकिन 1 नवंबर 2000 से अगर आप उधर कोई संशोधन करेंगे वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा संशोधन हम खुद कर लेंगे, हमारे पास खुद का अपना विधानसभा है। बात समझ में आया, कब से लागू हुआ, 1 नवंबर 2000, ये लाइन बाद में लिखा गया, बाद में लिखा गया, लेकिन हमारे यहां लागू कब से हो गया है, 1 नवंबर 2000, क्लियर है जी। और हमारे यहां इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे यहां जो पंचायती राज व्यवस्था है लगभग 99% सेम व्यवस्था कहां पे मिलेगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि दोनों तो एक साथ ही बैठकर बनाए थे ना। हाँ, हमने फिर बाद में थोड़ा थोड़ा संशोधन कर दिया, 2004, 2008, 2018 में कुछ कुछ बदलाव कर दिया है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो हमारे यहाँ भी सरपंच, उनके यहाँ भी सरपंच, हमारे यहाँ भी पंच, उनके यहाँ भी पंच, एकदम सेम। बात समझ में आ रहा है, बन गया कानून, समझ में आया। और अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो बुक में यहां से पढ़ाना शुरुआत किया जाता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, लेकिन याद रखना इससे पहले के पूरे इतिहास को जानना भी जरूरी है,
संसद में क्या हुआ, संसद से पहले क्या हुआ, समिति बना बना कर किस प्रकार रिपोर्ट मंगाया गया, संसद में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के विधानसभा में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में कैसे आया, इसको जानना जरूरी है। कल के क्लास में मैं लिखना शुरू करूंगा अनुच्छेद नंबर 243 एक ग्राम सभा, और पढ़ेंगे ग्राम सभा में क्या होता है, कैसा बैठक होता है, सम्मेलन कौन बनाता है, अधिसूचना कैसा होता है, गांव में कैसा होता है। मैं एक ठो आप लोगों को वो देखने बोला था, क्या देखने बोला था, गांव देखने बोला था, वेब सीरीज देखने बोला था, देखे कुछ नहीं मिला, तो मेरा काम है बताना, टाइम पास करना नहीं, ठीक, कल से क्लास चलेगा।